नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के उद्देश्य से बस्तर पुलिस के द्वारा लगातार बुनियादी पुलिसिंग के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। आगामी रक्षाबंधन त्योहार को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल और सभी अनुविभागीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में आगामी रक्षाबंधन त्योहार के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण त्योहार हेतु एहतियातन कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज बस्तर पुलिस द्वारा थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर, बोधघाट और यातायात पुलिस के द्वारा जगदलपुर के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार पुलिस बल के साथ पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसमें मेन रोड, गोल बाजार, संजय बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के अन्य क्षेत्रों में पैदल गश्त किया गया है। इसके अतिरिक्त शहर के होटल, लॉज और ढाबा की सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों और मार्गों पर वाहनों, यात्रियों, सामानों की सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही बाहर से आने जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में भी जानकारी एकत्रित कर लोगों की गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त जिले में उक्त व्यवस्था हेतु ग्रामीण क्षेत्र के थाना प्रभारियों को आवश्यक व्यवस्था हेतु निर्देश भी दिया गया है। रक्षाबंधन के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जो है एहतियातन बेसिक पुलिसिंग के अंतर्गत जो है कार्यवाही किया जा रहा है, और इस तारतम्य में आज जो है थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर, बोधघाट और यातायात शाखा के द्वारा जो है शहर के प्रमुख जो व्यावसायिक जो क्षेत्र हैं, जिसमें मेन रोड, गोल बाजार, संजय बाजार आदि क्षेत्रों में जो है लगातार पुलिस बल के साथ में जो है पैदल पेट्रोलिंग किया जा रहा है। इसके अलावा शहर के जो प्रमुख होटल, लाज और जो ढाबे हैं उनकी नियमित तौर पर जो है चेकिंग किया जा रहा है। इसके अलावा बस्तर ज़िले में जो है आने और जाने के जो प्रमुख मार्ग हैं उन पर भी जो है वाहनों की, सामानों की, लोगों की जो है नियमित तौर पर जो है चेकिंग किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी जो है बस्तर पुलिस के द्वारा जो है सतत निगाह रखा जा रहा है। और आने वाले जो रक्षाबंधन त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जो है बस्तर पुलिस अलर्ट मोड पर काम कर रही है।